सब्सक्राइब करना ना भूले अनएक्सप्लोर्ड इंडिया। नमस्कार दोस्तों, आप दुनिया के खूबसूरत शहर उदयपुर आए और आपने लेमन टी का लुत्फ नहीं उठाया तो आपकी यात्रा अधूरी है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ लेक सिटी उदयपुर की प्रसिद्ध पंडित जी की लेमन टी की। उदयपुर में सहेलियों की बाड़ी के ठीक सामने 200 मीटर पर मौजूद है हल्दी घाटी वाले पंडित जी की लेमन टी की दुकान। यह दुकान आकार में भले ही छोटी है मगर इसका स्वाद 5 स्टार को भी फेल करता है। यही कारण है कि यहाँ पर बॉलीवुड, मीडिया व खेल जगत के सितारों के साथ कई VIP भी आ चुके हैं। इन सबके फोटोग्राफ भी पंडित जी ने अपनी दुकान के बाहर डिस्प्ले कर रखे हैं। सुबह से लेकर शाम तक यहाँ पर चाय पीने वालों का जमावड़ा लगा रहता है। शहरवासी हो चाहे व्यापारी, पर्यटक हो चाहे सरकारी अफसर, हर कोई पंडित जी की लेमन टी का दीवाना है। खास बात यह है कि पंडित जी लेमन टी को पूरी शिद्दत से बनाते हैं। इस चाय को स्वादिष्ट बनाने वाले मसाले, नींबू, अदरक, पुदीना भी पंडित जी अपने घर के बगीचे से पैदा किए हुए ही डालते हैं। हल्दी घाटी में अपने घर पर उगाए ताजे नींबू, अदरक, पुदीना, सेंधा नमक और चाय के खास मसाले के साथ जब गर्म गर्म चाय कपों में उड़ेली जाती है तो पास खड़े लोगों के मुंह में भी पानी आ जाता है। पंडित जी यहाँ आने वाले लोगों को अपने हाथों से चाय को सर्व करते हैं। दिन भर लोग यहाँ की चाय की चुस्कियाँ लेते हुए दिखाई देते हैं। आइए पंडित जी की लेमन टी की खासियत खुद पंडित जी के मुंह से ही सुनते हैं। हाँ पंडित जी, बताइए आपकी इस लेमन टी की क्या खासियत है और लोग यहाँ पर दूर दराज से क्यों पीने आते हैं? सर, खासियत तो क्या है, सबसे बड़ी बात जब से स्टार्ट किया तब से आज दिन तक क्वालिटी, क्वांटिटी, प्राइस, हमारा व्यवहार, हर चीज़ एक जैसा मेंटेन रखा हुआ है। तो दूसरा यह है, नींबू कितना महंगा हो कितना सस्ता हो, क्वालिटी पे बरकरार ध्यान रखा हुआ है। एक्चुअल में सर, बाहर से आने वाला गेस्ट हमेशा क्या देखता है कि जब वो ट्रैवल के लिए निकला है तो टैक्सी वाला भी हमें अच्छा मिले, होटल्स भी हमें अच्छा मिले और फिर ये छोटी छोटी जो स्ट्रीट फूड है ये भी अच्छा मिले, ये तो हर क्लाइंट के दिमाग में रहता ही है। हम भी ये चाहते हैं कि बेहतर से बेहतर उनको चीज़ मिले और वो आगे वहाँ जाके वापस, जैसे कोई दिल्ली से आ रहा है, कोई बॉम्बे से आ रहा है, कोई कलकत्ता से आ रहा है, तो वहाँ जाके हमारे इस उदयपुर शहर का जिक्र करें। भाई उदयपुर में होटल्स भी अच्छे हैं, घूमने के लिए भी ऑटो वाले टैक्सी वाले भी बेस्ट हैं और ये चीज़ छोटे छोटे जो खाने पीने की चीज़ ये भी बेस्ट है, तो कहीं ना कहीं हमारा नाम भी उसमें आ ही जाता है तो फिर प्रमोट हो ही जाते हैं सर। पंडित जी कहते हैं कि आप हल्दी घाटी से और इस लेमन टी में हल्दी घाटी की माटी की खुशबू है, क्या कहना चाहेंगे? हल्दी घाटी की आप बात करते हैं, हल्दी घाटी की महक तो ये तो पुरखों से चलती आ रही है और वर्ल्ड में नाम है इसका, और एक हल्दी घाटी जो है वर्ल्ड आते ही अपने आप में भी एक शरीर फूल जाता है कि हल्दी घाटी से हम, सीना चौड़ा हो जाता है। हाँ। तो क्या ये मसाले और ये जो नींबू वींबू है वो सब क्या हल्दी घाटी से आए हैं? जी सर, एक्चुअल में पहाड़ी एरिया में जो चीज़ें होती है, कुछ पुराने बुजुर्गों ने बताया, जो अस्थमा के लिए कुछ चीज़ें होती है, जड़ी बूटियाँ तो पहाड़ी एरिया में होती है, जितने पहाड़ के अंदर आज की तारीख में पिछले युवा जो हैं अभी ये समझ नहीं पा रहे हैं, मैं भी हुआ इसकी जगह, मैं समझ नहीं पा रहा, मेरे पिताश्री भी कहते थे कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे अपन यही चीज़ अपन जैसे भेड़ बकरियाँ चलाने वाले जो होते हैं, ऊँट चलाने वाले होते हैं जो, ये मैंने इनको हॉस्पिटल जाता है उन्हें देखा है, क्योंकि जब ऊँट सारी चीज़ें की पत्तियाँ खाता है, हर चीज़ की पत्तियाँ खाता है, फिर उनका दूध अगर वो सेवन करते हैं तो बीमारी कहाँ से होगी? तो कुछ पहाड़ी एरिया में तो कोई ना कोई जड़ी बूटी तो छिपी होती है सर। ठीक, थैंक यू।